सिर्फ एक कारण से लोग आपसे आगे निकल जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान था। वो बहुत मेहनत करता पर और काबिल भी था, पर उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। उसे पता चला कि पास के गांव में विवेकानंद जी आए हैं, तो वो उनके पास गया और उनके चरणों में गिर गया और उनसे प्रार्थना की कि मेरा जीवन बहुत ही उलझन में है, मैं अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहा हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए और मार्ग बताए। विवेकानंद जी ने उसे बोला कि तुम्हारे प्रश्न का जवाब मैं जरूर दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा, और फिर एक पालतू कुत्ते को उस व्यक्ति को दिया और बोले कि इसको साथ ले जाओ और 1 किलोमीटर घूम कर आओ। व्यक्ति ने ऐसा ही किया, वो वहां से चला गया। थोड़ा समय बीत जाने के बाद वो व्यक्ति विवेकानंद के पास लौट कर आया, तो विवेकानंद जी ने देखा कि उस व्यक्ति का चेहरा अभी भी चमक रहा था और कोई थकान भी नहीं थी, जबकि कुत्ता पूरी तरीके से थक चुका था और जोर जोर से सांस ले रहा था। विवेकानंद जी ने कहा कि तुम दोनों एक ही जगह गए तो फिर ये इतना थक कैसे गया, जबकि तुम बिल्कुल भी थके हुए नहीं लग रहे हो। व्यक्ति ने कहा कि महाराज, ये कुत्ता जो भी गली आती वहां दूसरे कुत्तों के पीछे भागता और फिर आ जाता, और इसी तरह पूरे रास्ते में आते आते थक गया। विवेकानंद से मुस्कुराए और बोले कि यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। तुम अपनी मंजिल पर सीधे नहीं जा रहे हो, तुम रास्ते में भटक भटक कर थक गए हो। विवेकानंद बहुत ही महान गुरु के रूप में प्रख्यात है। उनके स्वयं के द्वारा बहुत सी किताबें लिखी गई है। आप उनका अध्ययन करके बहुत आगे जा सकते और अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, जरूर बताएं, और आगे भी ऐसी वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।